हेलो गाइस, आई एम नवनीत। सो आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपका बूटस्ट्रैप टेबल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बूटस्ट्रैप की फाइल्स को लिंक किया था। ठीक है, एंड हमने दो टाइप के कंटेनर सीखे थे, कंटेनर फ्लुइड एंड कंटेनर, दैट इज योर फिक्स्ड विड्थ वेबसाइट एंड फुल विड्थ वेबसाइट का डिफरेंस जाना था। नाउ आज हम इस क्लास में करेंगे बूटस्ट्रैप टेबल्स। ठीक है, सो सबसे पहले अब देखिए, मैंने अपने वेब पेज के अंदर एक क्लास स्पेसिफाई की है कि जो मुझे अपनी वेबसाइट रेडी करनी है उसकी विड्थ कौन सी होनी चाहिए, फुल विड्थ। तो उसके लिए मैंने क्लास क्या दी हुई है, कंटेनर फ्लड। ओके, सो अब इसके अंदर मुझे एक HTML का टेबल बनाना होगा। तो हम टेबल कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेबल टैग। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसे टेबल टैग को क्लोज, एंड विद इन दैट टेबल टैग अब हमें एक रो स्पेसिफाई करनी होगी विद द हेल्प ऑफ TR टैग। एंड टी आर के अंदर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज योर TH टैग। तो TH के अंदर जैसे मैं दे रही हूँ नेम, और यहाँ पे कर रही हूँ TH क्लोज, एंड अगेन यहाँ पे ले रही हूँ TH टैग जिसमें मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ सैलरी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका TH क्लोज। ओके, सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट रो के लिए मैं अगेन TR टैग एक स्पेसिफाई कर रही हूँ। ठीक है, एंड विद इन दैट TR आई एम स्पेसिफाइंग TD टैग, दैट इज योर टेबल डेटा। एंड इसमें हम नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय वन। ओके, एंड TD क्लोज कर रहे हैं, एंड उसकी जो सैलरी है वो स्पेसिफाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज 10,000। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, TD क्लोज। ओके, इन द सेम मैनर अब मुझे अगेन क्या लेना होगा, एक TD TR टैग, अगेन मुझे एक रो क्रिएट करनी होगी। ओके, सो अब जब मैंने एक अगेन रो क्रिएट किया है, सो मैं इसमें एम्प्लॉय का नेम चेंज कर रही हूँ, मैंने इसमें दे दिया M2, एंड मैंने सैलरी उसकी क्या दे दी है, 20,000। ओके, सो अगर मैं आपको इसे रन करके दिखाऊँ विद इन अ क्रोम ब्राउज़र, सो यू कैन सी कि ये जो आपके पास टेबल स्ट्रक्चर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें सिंपल क्या आ रहा है, नेम एंड सैलरी। बिकॉज ये हमने सिंपल बनाया हुआ है HTML का टेबल, इसीलिए आपके पास इस वे में आ रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसमें एक टेबल की क्लास इंप्लीमेंट कर दूं, बूटस्ट्रैप क्लास अगर इंप्लीमेंट कर दूं टेबल की, जो कि है आपकी टेबल। ओके, सो सी द रिजल्ट, यही टेबल अब आपका एक रेस्पॉन्सिव टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसे एक अलग ही लुक मिलेगी। नाउ सी द रिजल्ट, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्या क्लास दी है, टेबल। नाउ सी ऑटोमेटिकली मेरे टेबल के नीचे यहाँ पे देखिए एक रो आ रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल रूल आ रहा है। अगर आप स्क्रीन को कम करके भी देखेंगे, मैं यहाँ से स्क्रीन की जूमिंग कम कर रही हूँ, देखिए स्क्रीन के नीचे यहाँ पे कोई स्क्रोलर नहीं आ रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं आपको स्क्रीन कम करके दिखाऊँ, देखिए नीचे यहाँ कोई स्क्रोलर नहीं आ रहा, जो आपका टेबल बनाई है आपका क्या बन गया, रिस्पॉन्सिव टेबल। ओके, सो टेबल में हमने अब क्या क्लास एड ऑन की है, टेबल। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसकी स्ट्रिप्ड रोज आए, मीन्स ग्रे वाइट आनी चाहिए, देन आप यहाँ पे टेबल के साथ और एक क्लास एड ऑन कर सकते हैं, दैट इज योर टेबल स्ट्रिप्ड। ठीक है, सो जब आपने यहाँ पे टेबल स्ट्रिप्ड एड ऑन किया ना, रिफ्रेश करके देखिए यहाँ पे ग्रे वाइट, अगर आप यहाँ पे और एक रो एंटर कर देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट रो एक और एंटर कर रही हूँ, मैंने कॉपी किया एंड पेस्टेड। सो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम दे रही हूँ 3, एंड सैलरी दे रही हूँ 30,000। सेव किया, नाउ रिफ्रेश करके देखिए ऑटोमेटिकली अब ये वाइट में आएगा, ग्रे वाइट। ओके गाइस, सो ये थी आपकी टेबल स्ट्रिप्ड। अगर आप पूरे टेबल में स्ट्रिप्ड के साथ साथ बॉर्डर भी देना चाहते हैं, तो आप एक साथ मल्टीपल क्लासेस भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब टेबल बॉर्डर भी स्पेसिफाई कर रही हूँ, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप टेबल स्ट्रिप जो रखना चाहते हैं साथ में और नहीं रखना चाहते। ओके, सो सी यहाँ पे अब आपकी क्या आ गई है, टेबल को बॉर्डर। अगर मैं यहाँ से टेबल स्ट्रिप्ड हटा दूँ, देन आपका नॉर्मल टेबल में सिर्फ क्या अप्लाई होके आएगा, टेबल बॉर्डर। ओके, सो मैं यहाँ से एक टेबल स्ट्रिप्ड अब आपको हटा के दिखा रही हूँ, नाउ रिफ्रेश इट एंड सी, अब आपका नॉर्मल टेबल है और इसमें क्या आ रहा है, आपका टेबल बॉर्डर। तो वो आपके ऊपर है कि आप मल्टीपल क्लासेस एक साथ लेके जैसे आप डिज़ाइन आपको सुटेबल लगता है आप वैसे डिज़ाइन इसे कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास है टेबल होवर। तो मैं टेबल बॉर्डर के साथ साथ एक टेबल होवर भी लगा रही हूँ। सो अगर आपको होवर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे HTML एंड CSS के लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको होवर, दैट इज सूडो क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, सो मैं अब इसे रिफ्रेश कर रही हूँ, नाउ सी द रिजल्ट, जब मैं इसके ऊपर कर्सर रखूंगी ये है उसका होवर इफेक्ट।
क्लियर गाइस? सो ये था टेबल होवर, ठीक है? सो नेक्स्ट अब मुझे यूज़ करने हैं कंटेक्चुअल क्लासेस, मतलब कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर रो को या पर्टिकुलर कॉलम को कलर स्पेसिफाई करना है तो उसके लिए हमारा क्या होता है, कंटेक्चुअल क्लासेस। तो कंटेक्चुअल क्लासेस जैसे कि मुझे पूरी इस एम्प्लॉय 3 वाली रो को या कुछ कलर देना है तो क्लास उसके लिए आती है, ठीक है? तो कंटेक्चुअल की जो क्लासेस होती हैं वो है आपकी सक्सेस, इन्फो, वार्निंग, डेंजर, एक्टिव, ठीक है? सो मैं यहाँ पे जैसे ले रही हूँ सक्सेस, तो सक्सेस जो है वो आपका स्पेसिफाई करता है ग्रीन कलर। तो आप इसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं, सो सी ये जो आपकी रो है ये कौन से कलर में आ गई है, ग्रीन कलर। अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को देना चाहते हैं जैसे कि ये टी डी टैग को, तो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं क्लास इज इक्वल्स टू डेंजर। सो ये आपकी कंटेक्चुअल क्लासेस हैं जो आपके टेक्स्ट को कलर्स फॉर्मेशंस देती हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसे कलर आ गया, राइट? ओके गाइस, तो ये था आपका टेबल टॉपिक, ठीक है? सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन प्लीज कमेंट इट बिलो। सो थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।